हे गाइस आरपी का ब्लॉग्स के एक और ब्रांड न्यू डे में आप सभी लोग एक बार फिर से बहुत दोस्तों आते हैं। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज आए हुए अपन शो मोटर ट्रू वैल्यू में, क्योंकि आज अपन को यहाँ पे तीन अच्छी गाड़ियाँ मिलने वाली हैं और वो डेमो व्हीकल हैं। एक होने वाली अपनी स्विफ्ट, दूसरी होने वाली अपनी एस क्रॉस और तीसरी होने वाली है अपनी सियास। तीनों होने वाली है टॉप मॉडल में। तो अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदना था, एक सेकेंड गाड़ी भी खरीदना था, तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और चले भी ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चली हुई है। और तीनों टॉप एंड वेरियंट में होने वाली है और मेन चीज़ ये है कि आपको एक एक साल का तीनों में इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी मिलने वाला है, जो पूरा भी एक डेढ़ साल का बचा हुआ है, तो ये आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। साथ ही साथ ये गाड़ियां फाइनेंस भी इजीली हो जाएंगी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू का ऑफिशियल शोरूम है, जो एक मारुति का प्री ओन्ड कार का सेकंड कार का ब्रांड है। तो फाइनेंस की भी कोई चिंता नहीं है आपको। मैं इसमें बोल रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया से इसमें आपको फाइनेंस हो जाएगा, एमपी से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से आपको फाइनेंस हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ के भैया का नंबर मिलेगा, आप कॉल करके आ सकते हैं। एड्रेस बता दूँ तो होने वाला है मदन महल, ट्रू वैल्यू कार बाजार, जबलपुर। शो मोटर न्यू कार शोरूम है उसकी जस्ट बाजू में। बाकी अगर आपको तीन गाड़ियों में से कोई भी अच्छी लग रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी फोटो भी मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका भाई वहाँ पे सारी गाड़ियों की फोटोज जो भी आती है पहले ही डाल देता है। तो आपको इसके अलावा कोई सी और गाड़ी भी खरीदना है तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। बाकी यार चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई ऐसे ही न्यू और सेकंड कार की वीडियो लेके आता रहता है। चलिए ज्यादा भी नहीं बताते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तीनों में से पहली गाड़ी जो अपनी होने वाली है वो होने वाली है अपनी स्विफ्ट ZXi प्लस। 2018 का ये वेरिएंट है और टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है, जो आज की डेट में 9 लाख रुपए का आता है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। हेडलैम्प से लेके आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आपको कीलेस एंट्री दोनों साइड मिल जाएगी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी अच्छा इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम आता है। और ये बिल्कुल फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट था जो उस समय आया था, और आज भी यही मॉडल आ रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। आपको स्टीयरिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी वाला मिल जाता है, जिसमें आपको सारे स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। एक चली हुई गाड़ी 60,000 किलोमीटर, एक बार आपको मैं उस साइड से दिखा देता हूँ कि गाड़ी के जो मीटर है वो कितनी चली हुई है। और ये कीलेस एंट्री, मतलब कीलेस एंट्री के साथ साथ पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी होने वाली है। एक बार अपन बैठते हैं, और पहले तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जैसी क्लच दबाऊँगा इसमें आपको मिल जाएगा पुश स्टार्ट बटन। वन सेकेंड, वेयर इज की? ये है इसकी की। गाड़ी हो चुकी है चालू, और गाड़ी में देख सकते हैं 60,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ORVM भी मिल जाएंगे। तो यार सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं, बस बात आती है प्राइस की। तो यार नई गाड़ी अगर आप लेने जाते हैं तो मिलेगी आपको 8,95,000 रुपीज़ की, ऑन रोड कई जगह 9 लाख रुपए की भी है। लेकिन आज आपका भाई आपको ये गाड़ी देने वाला है सिर्फ 5,75,000 रुपए में। और हाँ, एक बेनिफिट और है, ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंस हो जाएगी गाड़ी, और इंश्योरेंस 2022 तक का कंप्लीट है, तो इंश्योरेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 1-1.5 साल का इंश्योरेंस आपको इसमें मिलने वाला है। तो यार अगर आपको ये डील अच्छी लगती है तो भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। गाड़ी का इंजन पहले बंद करते हैं। दोस्तों दूसरी गाड़ी होने वाली है वो होने वाली है अपनी एस क्रॉस अल्फा 2018 का टॉप एंड वेरिएंट डीजल वाला। नई गाड़ी की बात करूँ 13.5 लाख रुपए की आती है, एक बार आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको सारी कुछ मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स, और ये बहुत प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है। एक बार आपको मैं इसे अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी होने वाली है ये। तो इसमें भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, ओपन करते हैं और तो काफ़ी प्रीमियम है यार। कुछ दिन पहले मैंने एक और एस क्रॉस लेके आया था, और वो भी इसकी जस्ट नीचे वाला वेरिएंट था, लेकिन ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह का सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक बार बैठते हैं और आपको दिखाता हूँ इसका मीटर कितना होने वाला है। तो की फर्स्ट स्टार्ट बटन हो जाती है, गाड़ी हो चुकी है स्मार्ट हाइब्रिड वाला ये वेरिएंट है। तो गाड़ी चली हुई है 65,000 किलोमीटर। तो गाड़ी का यार फ्यूल थोड़ा कम दिखा रहा, तो गाड़ी बंद ही कर देते हैं। बाकी ये अच्छा सा इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, और आपको एसी वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। ये उसकी की होने वाली है, बेसिक जो की आती है, और ये ऑटोमेटिक इसका जो IRVM है ये भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ORVM भी इसमें आपको मिल जाएगा। ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक ORVM क्रूज कंट्रोल सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी यार इस गाड़ी के प्राइस की बात करूँ तो आपको मैंने नहीं बताया कि 2,13.5 लाख रुपए की आपको ये गाड़ी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड प्राइस देख रहे हैं तो सिर्फ 8.5 लाख रुपए में आपको ये मिलने वाली है। इधर अगर आप आते हैं तो आपको सारी जानकारी, इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे ही लगी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। इंश्योरेंस इसका भी 2022 तक का होने वाला है।
तो ये रही अपनी तीसरी गाड़ी, ये टेस्ट ड्राइव के लिए गई हुई थी, कस्टमर आए हुए थे, लेकिन अब आ गई है। ये होने वाली है अपनी सियाज अल्फा टॉप एंड वेरिएंट 2018 का, ये भी मॉडल होने वाला है और काफ़ी प्रीमियम लगती है यार ये सियाज, 13.5 लाख रुपये करीब की नई आती है अगर आप देखेंगे तो, और इस कलर में सही में बहुत अच्छी लगती है। इसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ORVM, अलॉय व्हील, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, बैक कैमरा वगैरह सारे फीचर, और ये भी स्मार्ट हाइब्रिड होने वाली है, और सारे पार्किंग सेंसर वगैरह फ्रंट बैक में सब कुछ मिल जाएंगे। और ये अंदर से जितनी अच्छी लगती है ना यार, बहुत ही प्रीमियम लगती है, देख सकते हैं। कुछ ऐसा आपको इसका इंटीरियर मिलने वाला है, और ये क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल के साथ जो लोग पीछे बैठने के शौकीन हैं उनके लिए इसमें आपको रियर AC भी मिल जाएगा। बात आती है इसके प्राइस की, नई गाड़ी आती है 13.5 लाख रुपये की, एक बार इसका मीटर चल कर दिखाऊँ फिर आपको प्राइस बताता हूँ इसका। तो अंदर बैठते हैं, इसमें भी आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगी, क्लच दबाएंगे गाड़ी हो गई है चालू, और ये चली हुई है सिर्फ 18,000 किलोमीटर। तो ये अच्छी चीज़ हो गई है आप लोग के लिए, अगर आपको एक नई गाड़ी लेना था तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इसमें आज पैसा बचने वाला है। इसमें आपको जो इन्फोटेनमेंट मिलता है ये पूरा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला है, ऑटोमेटिक ORVM एज यूजल इसमें मिल जाएगा, ऑटोमेटिक IRVM ये भी इसमें आपको मिल जाएगा। ये होने वाली है इसकी की, क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री तो इसमें कोई की इनबिल्ट नहीं है, अंदर एक की रहती है अगर घूम जाए तो यूज़ के लिए, शायद इसके इंडिकेटर ऑन है। हाँ, अब बात करूँ इसके प्राइस की, एक सेकंड कैमरा घुमाते हैं। तो यार अब बात करूँ इसके प्राइस की, तो नई गाड़ी आती है 13.5 लाख रुपए की, लेकिन आपको ये वाली गाड़ी बदलवाने वाला हूँ सिर्फ 8.5 लाख रुपए में, और उसमें भी नेगोशिएशन होगा। 2022 तक का भी इसका आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, पूरा इंश्योरेंस कंप्लीट है गाड़ियों का, और गाड़ी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी फाइनेंस हो जाएगी, क्योंकि ये होने वाला है ऑफिशियल मारुति का ट्रू वैल्यू कार शोरूम। तो अगर आपको तीनों में से कोई सी भी गाड़ी अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप कॉल करके भैया को अपनी डील ग्रैब कर सकते हैं, और अगर आप बताते हैं कि आप मेरी वीडियो से आए तो आपको स्पेशल डिस्काउंट जो भी होगा हम दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं कभी कभी बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर बिल्कुल कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद।